विजय मंडल फोर्ट। दक्षिणी दिल्ली की हलचल भरी आवासीय कॉलोनियों के बीच इतिहास का एक भूला हुआ टुकड़ा छिपा हुआ है, विजय मंडल का किला। यह मूक प्रहरी 14वीं शताब्दी का है, जो खिलजी और तुगलक के समय का अवशेष है। विजय मंडल का निर्माण दिल्ली सल्तनत के चौथे मध्ययुगीन शहर जहांपनाह के हिस्से के रूप में किया गया था। मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किले परिसर को बाद में इतिहास और वास्तुशिल्प महत्व की परतों को जोड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। मलबे की चिनाई से निर्मित किला दोहरे उभरे हुए प्लेटफार्मों पर स्थित है, जो अपने समय की वास्तुकला की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। हालांकि विजय मंडल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन इसका निर्माण उस युग के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसमें इसे बनाया गया था। विजय मंडल का सबसे आकर्षक पहलू यहाँ के लुभावने दृश्य हैं। किले की छोटी से आगंतुक आश्चर्यजनक सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं, आकाश को असंख्य रंगों से रंग सकते हैं और शहर की हलचल से दूर एक शांत पलायन प्रदान कर सकते हैं। विजय मंडल की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, इसके प्राचीन रास्तों की खोज करें और दक्षिण दिल्ली के मनोरम दृश्य के लिए इसकी ऊंचाइयों पर चढ़ें। इस छिपे हुए रत्न द्वारा पेश किए जाने वाले इतिहास और शांति के मिश्रण का अनुभव करें। विजय मंडल दिल्ली के इतिहास का एक भूला हुआ लेकिन आकर्षक अध्याय आपको समय में पीछे जाने और इसकी स्थायी विरासत की सुंदरता पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करता है। चोर मीनार। नई दिल्ली के ऐतिहासिक हौज खास क्षेत्र में अरबिंदो मार्ग से कुछ दूर स्थित अतीत का एक गंभीर लेकिन आकर्षक अवशेष है, चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स। 13वीं सदी की यह मीनार अपने 225 भूतिया छेदों के साथ लगभग 700 से 800 साल का इतिहास समेटे हुए है। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निर्मित, जिसमें उन्होंने 1290 से 1320 तक शासन किया, चोर मीनार को न्याय और प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में बनाया गया था। स्थानीय किंवदंतियां चोर मीनार के बारे में एक डरावनी कहानी बताती हैं। इसे सिर काटने की मीनार कहा जाता था, जहां चोरों के कटे हुए सिर को इसके 225 छेदों के माध्यम से भाले पर प्रदर्शित किया जाता था। यह भयानक दृश्य गलत काम करने वालों के लिए एक कठोर चेतावनी थी। टॉवर के 225 छेदों का उपयोग सिरों को स्थापित करने के लिए किया जाता था, और यदि सिरों की संख्या छेदों की संख्या से अधिक हो जाती थी तो कम महत्वपूर्ण सिरों को टॉवर के बाहर एक पिरामिड में ढेर कर दिया जाता था। इस भयावह प्रथा का उद्देश्य क्रूर तरीके से कानून और व्यवस्था लागू करना था। अतीत में कदम रखें और चोर मीनार की खोज करें, जहां इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समय की कसौटी पर खरी उतरी इस संरचना पर अचंभित हों और इसकी प्राचीन दीवारों में छिपी कहानियों पर विचार करें। चोर मीनार दिल्ली के समृद्ध और कभी कभी अंधकारमय इतिहास का प्रमाण है, तथा यह शहर के सदियों के परिवर्तन की यात्रा की याद दिलाता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह 5वां एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।